चलिए तो एपिकल्चर के पार्ट टू के अंदर आज अपन देखेंगे। अपन ने इससे पहले देखा था एपिकल्चर क्या चीज़ होती है, आर्टिफिशियल जो हिप्स हैं, जो छत्ते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनमें मधुमक्खी का पालन किस प्रकार से किया जाता है। अब आज के पार्ट टू में अपन सबसे पहले बात करेंगे कि अदर अपरेटस, ये जो आर्टिफिशियल जिसको अपन बोल सकते हैं या जो मॉडर्न हिप्स हैं, मॉडर्न जो छत्ते हैं, इसके अलावा कौन कौन से अपरेटस होते हैं जिनकी अपन को एपिकल्चर के अंदर आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट वन है हनी एक्सट्रैक्टर, यहाँ पर आवश्यकता होती है हनी को निकालने के लिए। बी वेल की आवश्यकता होती है, ग्लोब्स पहनते हैं और स्मोकर्स की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होते हैं, अदर अपरेटस होते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं, एपिकल्चर में मधुमक्खी पालन में मदद करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन लिख लेना हनी एक्सट्रैक्टर। यह उपकरण मधुमक्खी के निष्कासन का कार्य करता है, यानी उसको बाहर निकालने के लिए कार्य करता है। यह धातु का बना एक ड्रम होता है जिसमें एक रोटर अपनी अक्ष पर घूमता रहता है, यानी एक क्या है, पूरा एक ड्रम है और उसमें एक रोटर लगा हुआ है, उसको क्या कर सकते हैं, यूँ हाथ से अपन घुमाते रहते हैं, जिससे यहाँ से जो ये ब्रॉड चैम्बर होता है इसको जब बाहर निकालना जाता है तो उसको क्या करता है, वो प्रेस करता है और इससे हनी एक्सट्रैक्ट होके नीचे की तरफ छनता हुआ रहता है। जो शहद का निष्कासन करता है, शहद ड्रम की दीवारों से टकराकर ड्रम के पैंदे पर एकत्रित हो जाता है, जहां से उसे नल के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। अगला है बी वेली, मधुवेल लिखना इसमें। यह उपकरण मधुमक्खी पालकों को, यानी जो मधुमक्खी को पाल रहे हैं उनको डंक मारने से बचाता है। इसमें छोटी छोटी पालियां या जिसको अपन ब्लॉक्स बोलते हैं, पालियां होती हैं जो कि नीचे एक रस्सी से जुड़ी रहती है। अगला ग्लोब्स, दस्ताने जो आप लोग पहनते हैं वही हैं। यह है हाथ के दस्ताने होते हैं जिनको पहनकर मॉडर्न हिप्स में ब्रॉड चैम्बर को हटाया जाता है। अगला स्मोकर, कई बार एपिकल्चर के समय मधुमक्खियों का झुंड आक्रमण कर देता है, उनसे बचने के लिए स्मोकर का उपयोग किया जाता है। इससे धुएं को निष्कासित किया जाता है जिससे मधुमक्खियां दूर भाग जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन, जो अपन ने जो मॉडर्न हिव काम में लिए हैं, छत्ते काम में लिए हैं, उनकी अपन देखभाल किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से उनको मेंटेन करेंगे और उनका मैनेजमेंट क्या होगा, किस प्रकार से अपन उनसे जो हनी है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो टॉपिक लगा के लिख ले इसमें हिव मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, छत्ते की देखभाल एवं प्रबंधन। इसमें राइट डाउन द नंबर वन, छत्ते को सदैव ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर फ्लोरा या जो फूल पत्तियां होती हैं, फूल पौधे अत्यधिक मात्रा में हों, क्योंकि मधुमक्खी क्या लेंगी, परागकण लेंगी माँ से, ठीक है, पुष्प का जो जूस है उसको क्या करेंगी, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगी और उससे क्या बनाएंगी, हनी बनाएंगी। तो आसपास के अंदर अगर फूल पत्तियां पौधे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर शहद जो निर्माण प्रक्रिया है वो भी किससे क्या होगी, तेजी के साथ होने लग जाएगी। नेक्स्ट, छत्तों को सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें रहने वाले जो इंसेक्ट हैं, मधुमक्खियां हैं, वो भी क्या होने लग जाएंगी, मरने लग जाएंगी और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हनी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर लगा के लिखना, बी
कीपर को बी कीपर बोलते हैं, जो हनी को प्रोड्यूस करने वाला होता है, यानी जो आर्टिफिशियल जो अपन ने बनाए हैं, मॉडर्न हिव जो बनाए हैं, इनकी देखभाल करने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बी कीपर। बी कीपर को मधुमक्खी के जीवन चक्र का पता होना चाहिए, यानी जो मधुमक्खी काम में ले रहे हैं उसका लाइफ साइकिल क्या है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, एवं समय समय पर इनकी टेस्टिंग भी करते रहना चाहिए। अगला नंबर, यदि कॉलोनी में एक या एक से अधिक रानी मधुमक्खी उपस्थित हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से सेपरेट कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। नेक्स्ट, यदि रानी मधुमक्खी की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में दूसरी रानी मधुमक्खी को छत्ते में प्रवेश करवाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, भोजन की कमी होने पर आर्टिफिशियल फूड देना चाहिए, जिसमें 100 ग्राम से 200 ग्राम शुगर को 150 से 200 ml जल में घोलकर छत्ते के निकट खुले में रखना चाहिए। नेक्स्ट, छत्तों को छायादार स्थानों पर रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, कॉलोनी को बचाने के लिए ऐसे स्थानों का चयन करना चाहिए जहां पर शत्रु कम हो, यानी जिनसे उनको नुकसान है वो क्या हो, वहां पर कम हो। नेक्स्ट नंबर, कॉलोनी में समय समय पर रोगों को भी देखना चाहिए, यदि कॉलोनी में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से उपचार करना चाहिए। अगला टॉपिक, हनी बी प्रोडक्ट, कौन कौन से उत्पाद होते हैं मधुमक्खी के द्वारा जिनको अपन काम में लेते हैं, लिखना है इसमें। हनी बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले मुख्य उत्पाद या प्रोडक्ट दो होते हैं, पहला हनी, दूसरा वैक्स या मोम। शहद या मोम, ठीक है, इसमें नंबर एक लगा के लिख लेना, हनी शहद। हनी सबसे अधिक उपयोग होने वाला हनी बी प्रोडक्ट होता है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार से दवाइयों एवं सामान्य उपयोग में लिया जाता है, इसमें ऊर्जा की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, 200 ग्राम हनी में लगभग 10 लीटर दूध के बराबर न्यूट्रिएंट उपस्थित होते हैं, इसका उपयोग सर्दी, जुखाम, टाइफाइड, निमोनिया आदि रोगों में भी दवाई के रूप में या औषधि के रूप में किया जाता है। नंबर दो लगा के लिखना, वैक्स। इसका उपयोग हनी बी में उपस्थित वैक्स ग्लैंड के द्वारा होता है। बी वैक्स का उपयोग कॉस्मेटिक, पैंट, कार्बन पेपर आदि में किया जाता है।
आदि में किया जाता है। चलिए अगला टॉपिक लिख लेंगे। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। डिजीज़ ऑफ बी, बी में होने वाली डिजीज़, ये पूछ लेते हैं कई बार सॉर्ट टाइप के अंदर, सॉर्ट टाइप में या फिर जो वन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, वन मार्क्स जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछ लेते हैं। ठीक है, लिख लेना इसके। एकेरेपिस बुडी, यह रोग सामान्यतः है उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में होने वाले एपिकल्चर में नोट किया गया है। इसमें मधुमक्खी के छत्ते पूर्णतः ब्लैक हो जाते हैं एवं शहद की क्वालिटी बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है, जिससे पौष्टिक शहद प्राप्त नहीं हो पाता है। आज का लास्ट टॉपिक, भारत में मधुमक्खी पालन, लिख लेना इसमें। भारत में मधुमक्खी पालन काफ़ी प्राचीन समय से चल रहा है, परंतु वर्तमान समय में इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफ़ी अधिक परिवर्तन देखने को मिले हैं। हिंदुस्तान में एपिकल्चर, खादी ग्राम उद्योग के तत्वाधान में कंडक्ट करवाया जाता है। भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश आदि राज्य एपिकल्चर में एक सर्वोत्तम स्थान को रखते हैं। ठीक है, तो ये एपिकल्चर का पार्ट टू कंप्लीट। इस पर एक शॉर्ट नोट आएगा या एक बड़ा क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है। वीडियो पे बने रहें आप लोग, ठीक है। पेपर आपके जल्दी होंगे, इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग करवा रहे हैं वो आप लोग देखते रहें। ठीक है, थैंक यू।